नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आज मैं आपको ले चलूंगी जालंधर में हुए गदरी बाबियों दे मेले में। यह मेला अपने आप में बहुत अनूठा मेला है। यह बताता है कि दुनिया को बदलने का सपना, बराबरी, समता, समानता का सपना सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि जो उसका बहुत गौरवशाली इतिहास है वह क्या है, और आज का जो संकट है उससे लड़ने के लिए इतिहास के उन पन्नों से हम क्या सीख सकते हैं, कितनी हिम्मत मिलती है। यह मेला हर साल लगता है पंजाब के जालंधर शहर में, और यहाँ हजारों की तादाद में संस्कृति कर्मी पहुँचते हैं, नाटककार पहुँचते हैं, गायक पहुँचते हैं, कवि, प्रकाशक, किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग जुटते हैं, और साथ ही साथ किसान, मजदूर, महिलाएं बड़ी संख्या में बच्चों के साथ आती हैं। देशभगत यादगार हॉल में अनगिनत रंग बिखरते हैं संस्कृति के गानों के। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि गदरी बाबियों द मेला यानी क्या, ये कौन है बाबा। दरअसल इनका रिश्ता है 1913 में जो गदर पार्टी बनी थी, सीधा साधा रिश्ता उन मतवालों से है जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा था। सांझे भारत यानी पाकिस्तान का जो हिस्सा है और भारत का जो हिस्सा है पंजाब का, दुआबा और माझा इलाका के जो मेहनतकश मजदूर और किसान थे वे सब मिलकर आए थे। वे सब रोटी कमाने विदेश गए थे, लेकिन वहाँ भी देश प्रेम की आग जलती रही और उन्होंने क्रांति की तैयारी की, वे भारत आए। इन तमाम क्रांतिवीरों को ही गदरी बाबा बुलाया जाता है। उन पर बहुत जुल्म हुए, 20-20 साल उन्होंने जेल में काटे, लेकिन किसी ने भी माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से बाहर आने के लिए। और जब वे बाहर आए तब नौजवान वे गए थे, बाहर आए तो वे बाबा बन गए थे। इनमें करतार सिंह सराबा, बाबा सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, मोहन बरकरत उलेला, बाबा करम सिंह चीमा, फौजा सिंह, संता सिंह सहित अनगिनत नाम हैं। और यह 31वां गदरी मेला जो जालंधर के उस हॉल में होता है जो हॉल इन्हीं लोगों को समर्पित है, देशभगत मेमोरियल हॉल में। और आप देखिए कि ये जो 31वां मेला आयोजित किया गया, इसका जो पूरा का पूरा लक्ष्य था वह हिंदुस्तान में जो साम्राज्यवादी लूट है, सांप्रदायिकता है, फासीवाद है, इसके खिलाफ जो अनगिनत संघर्ष थे उन संघर्षों को समर्पित किया गया। और शायद यही वजह है कि जैसे ही आप गेट से अंदर घुसते हैं तो ये आपको दीवार दिखती है। इस दीवार में तमाम राजनीतिक कैदियों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों पर उनके नाम लिखे हैं, किन मामलों में उनको गिरफ्तार किया गया ये लिखा है, और कमाल की बात है कि जो बड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा गया था वहाँ लोग इन राजनीतिक कैदियों को बाहर निकालने के लिए हस्ताक्षर कर रहे थे, समर्थन जुटा रहे थे। और साथ ही साथ इस मेले परिसर का नाम रखा गया मोहम्मद सिंह आज़ाद। आप सोच रहे होंगे ये कौन है मोहम्मद सिंह आज़ाद। शहीद ऊधम सिंह का ही दूसरा नाम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। ये जो हमारी साझी संस्कृति है जो सांप्रदायिकता से बहुत दूर है, उसे सजाने, संवारने और जिंदा रखने का बहुत अहम काम गदरी मेला करता रहा है। यह मेला हर साल 30 अक्टूबर को लगता है और 2 तारीख की सुबह सुबह 4-5 बजे ख़त्म होता है। इस बार भी यह सुबह 4 बजे ख़त्म हुआ बहुत ही अहम नाटक के साथ, साहेब सिंह का नाटक लच्छू कबाड़िया। ये जो 31वां गदरी मेला है, आपने कहा कि आपका मक्का है यहाँ पर, कैसे आप देखते हैं इस मेले का महत्व? देखिए, 31 सालों से हमने इस मेले को यहाँ से शुरू होते यहाँ तक पहुँचते देखा है। पहले ये अंदर होता था, फिर वो कम पड़ गया हॉल, फिर लोग बाहर आने लगे, और पंजाब के लोगों के कैलेंडर में ये डेट मार्क होती है। लोगों को पता होता है कि पंजाब में, पूरे पंजाब के जो कल्चरल कैलेंडर है उसमें ये एक दिन है जिस दिन लोगों की बात होगी, जिस दिन थिएटर होगा, संगीत होगा, लोग आएंगे।
तो वी फील प्रिविलेज्ड कि हम इस मेले का हिस्सा हैं। अपना थिएटर जो कि मेरा जो थिएटर है वो सब वही है कि लोगों की बात करनी है, कला जो है लोगों के लिए, लेकिन उस कला को रिफाइन करके कलात्मक तरीके से जितना भी मैं कर सकूं, तो ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए सचमुच एक मक्का है। और देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोग सुबह सुबह तक जमे रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है जब यहां पर नाटक गीत सब कुछ होते हैं। बहुत अहम चीज यह है कि जो लोग जुटते हैं वे कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अनगिनत इलाकों से आते हैं, और वे सब आते हैं देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, देश में जो अलग अलग सांस्कृतिक मंच चल रहे हैं उनको जिंदा रखने के लिए। इस बार छत्तीसगढ़ में बिल्कुल दूसरे ढंग का प्रयोग कर चुके समाजवादी गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार यहाँ आए, अंबेडकर की विरासत को आगे चलाने का जो काम कर रहे हैं उनके पड़पोते राजरतन अंबेडकर आए, यहाँ पर जो सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, नवशरण वहाँ आई, एडवोकेट राजेंद्र बैंस ने भी अपने विचार रखे। और एक और बहुत अहम खास बात, यह मेला किताबों के लिए जाना जाता है। 3-4 दिन में 20 से 25 लाख रुपए की किताबें यहाँ बिक जाती हैं, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, तकरीबन 100 से अधिक प्रकाशक इस छोटी सी जगह पर अपने मेले लगाते हैं, और दिन हो रात हो सुबह 5 बजे तक वह मेला चलता रहता है, लोग किताबें खरीदते रहते हैं। एक और बहुत अहम बात, जब नफरत का कारोबार इतना तगड़ा हो उसमें जिस तरह से अमन की बात यहाँ होती है वह अपने आप में बेमिसाल है। हर साल यहाँ पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है, जो वहाँ के संस्कृति कर्मी हैं, जो नाटक करते हैं, सबको बुलावा जाता है। इस साल भी बुलाया गया था। इस साल खास मेहमान थे लाहौर के बाबा नजमी, जिनका बहुत गहरा ताल्लुक गदरी बाबाओं से रहा है, लेकिन वीज़ा नहीं मिला और कुछ ही दिन पहले उनको हार्ट अटैक आया था, स्टंट पड़ा है, और उन्होंने रात में 1:30 बजे मेले में फ़ोन किया, और देखिए क्या कहा उन्होंने फ़ोन पर। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका दिल भारत में धड़क रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए धड़क रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर खुदा से उनकी बात हुई तो वो 100% पंजाबी में ही बात करेंगे। इस लिहाज से यह आंदोलन जो चल रहा है वह अपने आप में दूसरे ढंग की तस्वीर भारत की, भारत पाकिस्तान की, और मजदूर किसानों का जो संघर्ष चल रहा है उसकी देता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसानी से जुड़े लोग आते हैं, ये वही शक्लें हैं, वही लोग हैं जिनको हमने किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली की सरहद पर देखा था, दिल्ली के बॉर्डर्स पर जब किसान आंदोलन चल रहा था, और ख़ास तौर से टीकरी बॉर्डर पर जो महिलाएं बैठी थीं वे भी यहाँ अपने बच्चों के साथ पहुँची हुई हैं। आइए सुनिए कि इस पूरे आयोजन के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो महासचिव हैं देश भगत यादगार के, जो कमेटी है वहाँ की, परमिंदर सिंह, वह क्या कहते हैं। वीज़ा जारी ना करके एक बहुत भैड़ा जमहूरियत विरोधी, एक बहुत भैड़ा जालम कदम चुकया है, तो असी सारे रल के अच उसकी निंदा करते हैं। ये दुख मैं थोड़े नाल साझा करना चाहता सी। सानू जिथे तुहाडे आउण दा वड्डी गिणती सी आए हो, सानू माण है, साडा हौसला वधदा है, साडा हौसला वधिया है। जिथे ये है कि असी इत्थे एक नवे लोक पक्षी सभ्याचार नू जन्म देण दे वास्ते, उन्हें प्रफुल्लित करन दे वास्ते असी सारे रल मिल के कदम अगे वध रहे हैं। जिथे सानू ये माण है कि इस मेले दे विच्चों एक खरियां जमहूरी कदरां कीमतां पैदा हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। सानू इस गल का माण है कि असीं अपने शहीदां नू याद करते हुए उन्हां सुपनियां नू साकार करने वास्ते इत्थों हमेशा हरेक साल एक अहद लैके उठते हैं। सानू इस गल का माण है कि जिहड़ियां साडियां जमहूरी किरतियां दीआं लहरां हैं उहदी नीहां दे विच जिहड़ा इह लोक पक्षी मजबूत सभ्याचार है वह वसिया होया है, जिहड़ा सभ्याचार इन्हां प्रोग्रामां चों, इन्हां मेलियां चों पैदा हुंदा, प्रफुल्लित हुंदा है।
ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਿਨ ਜੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਹਿਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਦਮ ਬਾਈ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੇ? ਨਹੀਂ, ਵੋ ਵਹਾਂ ਗਏ ਹੈ ਸੰਸਾਧਨੋ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ। ਕਿਸਕੇ ਲੀਏ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਰੀਬੋ ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ? ਨਹੀਂ, ਵੋ ਗਏ ਹੈ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਓਂ ਕੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਨਾਟਕੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਬੀਚ गाने जो हुए वे भी बहुत खास हैं, और इसमें अहमदाबाद से विनय चारू की जो टीम आई हुई थी उसने जो गाने पेश किए उसको जिस तरह से लोगों ने सराहा वह भी कमाल का था। एक बात बहुत साफ है कि जो विनय चारू कह रहे हैं पहले उसे सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप दोनों लोगों ने कब से गदरी मेला आना शुरू किया और क्या आपका अनुभव है इसे लेकर? हम लोग यहाँ सबसे पहले आए थे मतलब काफ़ी साल पहले, मैंने 1999 के आसपास, एंड एक्सपीरियंस तो मतलब काफ़ी क्या, क्योंकि आप लोग बहुत जगह जाते हैं और वहाँ से यहाँ का क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? अभी इस समय हम बैठे हैं, 4 बजा है, अभी ख़त्म हुआ सुबह 4 बजे। ये काफ़ी रेयर अचीवमेंट है, ये कल्चरल एक्सप्रेशंस जो हैं लाइफ के या लाइफ के जो इश्यूज़ हैं यहाँ, नॉट जस्ट ऑफ पंजाब बट जो अलग अलग जगह पर अलग अलग नेशनली इंटरनेशनली जिस तरह के भी इश्यूज़ इंसानियत के साथ जुड़े हुए हैं इस मेले में कल्चरल एक्सप्रेशंस काफ़ी रिच, उसके काफ़ी रिच एक्सप्रेशंस उसके आते हैं। आई थिंक एक और चीज़ ये भी है, हर बार हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इतिहास और वर्तमान दोनों का जुड़ाव आपको हर एक मेले में दिखता है। तो इतिहास की भी बात होती है और वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उसकी भी बात होती है, और बहुत अच्छी तरह से उसको बैलेंस, चाहे वो झंडे का गीत हो या बाकी चीज़ें हो, जो भी इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से वो आपको दोनों फीलिंग्स आते हैं। यू फील यू हैव बिकम पार्ट ऑफ द पास्ट ऑल्सो एंड यू आर पार्ट ऑफ द न्यू ड्रीम ऑल्सो। जो अभी हमें लगा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं अलग अलग तरह की इस पूरे मेले को ऑर्गेनाइज करने में, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्राउंड वर्क और जो लोगों की जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर बहुत सीरियस काम सालों से किया है, बहुत सालों से किया है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये यहाँ इस मेले में जो बातें होती हैं वो बातें उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये आपने भी महसूस किया होगा यहाँ पर द प्लेस, जो भी कल्चरल एक्सप्रेशंस आते हैं बहुत रूटेड होते हैं लाइफ के साथ, इसलिए लोगों को लगता है कि उनकी बात है। आपको क्या लगता है, और मुझे भी जो हैरानी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, अपने आप आए हैं, और ये जो मेला है इसमें किताबें हैं, नाटक है, गाने हैं, भाषण हैं, और सब पॉलिटिकल है, और लोग सुन रहे हैं, तो कल्चर को लेके जो बात थी कि लोग अब दूसरे ढंग का कल्चर की बात करते हैं, इस तरह की कल्चर की जगह नहीं है, फंडिंग का सवाल है, ये कैसे आपको लगता है कि गदरी मेला इसे डील कर रहा है? फंडिंग का सवाल तो कभी भी जो पंजाब की सांस्कृतिक कर्मी हैं और जिस तरह की सांस्कृतिक एक पूरी लहर यहाँ पर मूवमेंट पंजाब में रही है और उसका पिछले 50 साल का इतिहास है, वो फंडिंग की कभी कमी नहीं हुई। आर्टिस्ट और रंगकर्मी, गीतकार और जो भी सांस्कृतिक कर्मी हैं वो झोली फैलाते हैं और लोग उनकी झोली भर देते हैं।
आपका कहना है कि ये सब पब्लिक फंडिंग से है? ये पूरा का पूरा पब्लिक फंडिंग से हुआ है, इसमें कोई इश्तिहार नहीं है, कोई प्रमोटर्स नहीं है, सिर्फ लोगों का। सरकार कंपनी कुछ नहीं? सरकार कंपनी कुछ नहीं, सिर्फ लोगों के अपने ही इकट्ठे होके अपने मेले को जिंदा रखने के लिए, अपने गदरी बाबाओं की याद को जिंदा रखने के लिए, हमारी जो एक ये अमीर विरासत है, जो ये सांस्कृतिक विरासत है नाबरी की, रेजिस्टेंस की, उसको जिंदा रखने के लिए लोग अपने आप से हल्ला बोलते हैं और ये मेला इसी तरह से आबाद रहता है। मैं जानती हूँ मेरे पिता दहाकों तक मेले में शामिल होते रहे। आप गुरशरण सिंह की बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं गुरशरण सिंह की बात कर रही हूँ, जिन्होंने पंजाब में एक आवामी रंगमंच की नींव डाली और तकरीबन 50 साल तक गांव-गांव में घूम के नाटक किए। उन्होंने केवल नाटक ही नहीं किए, जो बेहद राजनीतिक नाटक होते थे, उन्होंने नाटकों के लिए, लोगों को बैठने के लिए एक ऑडियंस भी पैदा की। और पंजाब के अंदर आप देख रही हैं, रात के 11 बजे हैं, नाटक हो रहा है और पंडाल खचा खच भरा हुआ है, इतना कि हिलने की जगह नहीं है। और हर चीज़ के ऊपर, हर डायलॉग के ऊपर लोगों का रिस्पांस है। तो एक जो ये पूरी की पूरी विरासत है, परंपरा है, ये बहुत धीरे धीरे बनाई गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में झंडे का गीत होता है, झंडा यानी गदर पार्टी का झंडा, उसे लेकर एक ओपेरा बनाया जाता है, जो इस बार भी बनाया अमोलक ने। अमोलक जो एक सांस्कृतिक कर्मी ऐसे हैं जिनकी मेहनत पूरे मेले में हर कोने पे दिखाई देती है, और इस बार जो उन्होंने ओपेरा बनाया, झंडे का गीत लिखा, वह अपने आप में बेमिसाल था। उसमें भारत पाकिस्तान तो था ही, पाकिस्तान के अलावा भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था, उसका जो दुख है वह था, और आज हमारे आपके बीच जो लोकतंत्र का संकट है वह हर कोने पर गूंज रहा था। वह बता रहा था कि किस तरह से जो फिरका परस्त ताकतें हैं वह देश को बांटने का काम कर रही हैं। इसमें जिस तरह से तकरीबन 110 लोगों ने शिरकत की पूरे इस नाटक में, इस ओपेरा में, उसमें जो नौजवानों की और बच्चों की शिरकत है, जो पार्टिसिपेशन है, वह देखते ही बनता है। अंत में एक बात जो बहुत अहम है वह यह कि ये जो हजारों की भीड़ जालंधर के इस मेले में जुटती है, वह बहुत कुछ कहती है कि जब लोग अपने वतन से प्यार करते हैं, उस वतन से जुड़े हर पहलू को किस मोहब्बत के साथ देखना चाहते हैं, और जो अनुशासन है, अगर आयोजकों की माने तो इस बार तकरीबन 5,000 से 6,000 लोग इन नाटकों को देखने के लिए जुटे, और कहीं भी कोई हंगामा नहीं, सारी औरतें, बच्चे, पुरुष सब एक साथ बैठकर देश की हकीकत को बताने वाले, हकीकत से लड़ने भिड़ने का रास्ता खोजने वाले नाटकों और गीत को देख रहे थे। और शायद हमारी आपकी साझी संस्कृति का संदेश भी यही है कि अमन है और अमन के लिए संघर्ष है। शुक्रिया।